डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ PL SQL प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि PL SQL के ऊपर पहली वीडियो मैंने काफी टाइम पहले डाली थी, जिसमें PL SQL का बेसिक ब्लॉक के बारे में क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया। तो वहां पे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रोग्राम्स। तो पहला प्रोग्राम हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दो प्रोग्राम मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जीक्यूशन भी यहां पे दिखाऊंगा। तो एग्जीक्यूशन डोंट वरी, ये मत समझना कि बोर्ड पे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो बोर्ड पे नहीं करूंगा, ओरेकल लाइव पे आपको उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो वीडियो के लास्ट में दिख जाएगी। तो यहां पे जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताने जा रहा हूं, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोग्राम्स जो मेजर है ना PL SQL के, उसकी जो फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी। तो गाइज, इतना सब कुछ तो आपको दे रहा हूं, बदले में एक छोटी सी डिमांड है कि यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से भी करवा दो। और इसके अलावा मैं आपको बस जस्ट यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहां पे पहला प्रोग्राम है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स की अगर हम बात करें, तो देखो प्रोग्रामिंग चाहे जो मर्जी हो, उसका जो लॉजिक है वो तो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है, लेकिन मेजर डिफरेंस कहां आता है, सिंटेक्स का। तो यहां पे देखो, डिक्लेयर, यहां पे हमारे पास क्या है, ये होता है डिक्लेरेटिव सेक्शन, मतलब यहां पे हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमारा बिगिन से लेके एंड के बीच में क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, जहां पे हम एग्जीक्यूटेबल कमांड्स को लिखते हैं। तो ये देखो, सम ऑफ टू नंबर करना है, ए इंट, बस ये याद रखना, नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग में हम इंट ए इंट बी करते हैं, तो यहां पे ए इंट बी इंट सी इंट, तो इस तरीके से हमने लिखना है। फिर बिगिन के बाद हमने क्या लिखा, ए कॉलन इज इक्वल टू, तो यहां पे असाइनमेंट, जो नॉर्मल असाइनमेंट हम सी प्रोग्रामिंग में जैसे इक्वल टू से करते हैं, यहां पे कॉलन इक्वल टू से करते हैं, तो कॉलन इज इक्वल टू, ठीक है ना। और ये क्या लिखा मैंने यहां पे, एम परसेंट ए, एक्चुअल में है क्या ना, ये ऐसे है, ए इज इक्वल टू 10, क्या है, a इज इक्वल टू 10। तो यहां पे आप वैल्यू अगर डायरेक्ट देना चाहते हो तो डायरेक्ट भी दे सकते हो, अगर आप यूजर से लेना चाहते हो वैल्यू तो आप यूजर से ले सकते हो m परसेंट को यूज करके। तो ये मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट इसीलिए बता रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर पूछ लेते हैं आपके इंटरव्यूज वगैरह में, वाइवा वगैरह में, तो वहां ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादातर मैंने तो कोई इतना क्वेश्चन नहीं देखा, तो वहां पे चांसेस कम है। तो देखो, m परसेंट a, m परसेंट b, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने यूज किया। फिर c इज इक्वल टू a प्लस b, c कॉलन इज इक्वल टू a प्लस b, दोनों का सम जो है वो हमने c में डाल दिया, नॉर्मल जैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, काफी बड़ी लाइन है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब है प्रिंट एफ, जैसे सी में प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं ना, जस्ट टू प्रिंट द वैल्यू, ये एक्चुअल में इतनी बड़ी लाइन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको एज इट इज ही याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी फिर वही आ गया सम ऑफ ए एंड बी, इसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, और यहां पे और सिंबल होता है ना, स्ट्रेट लाइंस और सिंबल, तो उसके साथ हमने सी को लिख दिया, और ये मेरी ब्रेसिस बंद, और यहां पे मैंने सेमी कलन, यहां पे हमेशा सेमी कलन ही आपका आएगा, एंड याद से लगाना, क्योंकि ये बिगिन है और ये आपका एंड, मतलब ओपन पेरेंथिसिस क्लोज, वो वाला काम है यहाँ पे। तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट था, ये आपका डिक्लेरेटिव, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आउटपुट दिखाता है। तो ये आ गया सम ऑफ टू नंबर का। देन ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, तो ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर में हम बात करेंगे यहाँ पे इफ एल्स की, तो आपको इफ एल्स का भी आइडिया हो जाएगा कि क्या सिंटेक्स है, कैसे हम यूज करते हैं। तो देखो, डिक्लेयर ए बी, हमने दो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, उन दोनों को हमने डेटा टाइप उनका इंट ले लिया, बिगिन किया, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया, तो बिगिन से लेके एंड तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। तो ये देखो, ए कॉलन इज इक्वल टू एम परसेंट ए, आप डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हो 10, 20, 30 जो मर्जी दे दो, यूजर से लेनी है तो एम परसेंट ए, एम परसेंट बी। इफ ए ग्रेटर देन बी, नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी देन, यहां पे लिखते हैं हम क्या, देन, देन वही DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ए इज ग्रेटर एल्स बी इज ग्रेटर, तो वही प्रिंट करा दिया। अगर आपने वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो फिर वही जैसे हमने यहां पे किया था, इसके साथ आप इस तरीके से जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो ए, और यहां पे प्रिंट कराना चाहते हो बी, तो इस तरीके से आप उसको अमेंड कर सकते हो। तो ये आ गया। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं फटाफट से कि यार इफ को एंड करना बहुत जरूरी है। ये तो एंड हो गया एक तरह से इसका, बिगिन का, लेकिन यहां पे आपको एंड ऑफ इफ करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा, तो एंड इफ यहां पे जरूर कर देना। तो ये बेसिक से प्रोग्राम्स है, अब हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो देखो, वही फाइंड द सम ऑफ टू नंबर वाला प्रोग्राम जो है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है,
तो इसको जस्ट यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ पे मूव करके हैं ओरेकल लाइव पे, ठीक है। तो ओरेकल लाइव पे जस्ट आपको लॉग इन करना है, ठीक है, अपना यूजर नेम आईडी और ये सब कुछ आपने दे के अपना लॉग इन कर लेना, कंफर्मेशन मेल आएगी तो आप जो है वो ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जस्ट मैंने इसको जो है थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से हमने पेस्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ से रन कर दिया। तो जैसे ही हमने रन किया यहाँ पे क्या आई, एरर। ये एरर मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने बिना एरर के, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पहले करके और फिर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के इसी तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको एरर्स का भी पता लगना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना वो अगर आप एरर्स के थ्रू अगर आप कहीं ना कहीं लर्न करोगे ना तब ज्यादा लर्निंग आती है, क्योंकि आपको पता लगता है किस टाइप के एरर कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको हटाना है। तो देखो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, लाइन नंबर 6 में एरर आ रही है और वो आ रही है एम परसेंट की। तो एम परसेंट जो है, मैं आपको बता दूं मैंने क्या बताया था एम परसेंट क्यों यूज करते हैं, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन लाइव में ये फीचर एक्चुअल में नहीं वर्क करता। तो लाइव में हमें डायरेक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे हमने दे दी यहाँ पे 10, यहाँ पे दे दी मैंने 20। जस्ट ये बता दूं कि लाइव में वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो ओरेकल 10, 12 कोई भी लेटेस्ट, तो उसमें जो है वो वर्क करेगा। तो बस 10, 20 वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है और जस्ट इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया तो ये देखो नीचे आउटपुट जो है वो दिखा रहा है, दैट इज सम ऑफ ए एंड बी 30, ठीक है। अब आप इसको जो भी चेंजेस करना चाहते हो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कर दो ताकि आपको प्रॉपरली जो है वो दिख जाए, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे प्रोग्राम की, तो दूसरा प्रोग्राम भी फटाफट से देख लो यहाँ पे, ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर वाला। तो ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर वाले में हमारे पास ये लो जी, कॉपी किया हमने कोड और वहां पे जस्ट हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना होता कोड, कोड तो हम लिखते हैं लेकिन मैंने वहां पे लिखा हुआ है जस्ट वहां से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे मत कहना कि सर खुद ही कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं, तो ये वहां पे मैंने खुद लिखा हुआ है। तो अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एम परसेंट की एरर आएगी, तो इसीलिए मैं इसकी वैल्यू जो है वो पहले ही चेंज कर देता हूँ। तो लेट्स से 10, 20 वैल्यू हमने कर दी है, अब इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो लो जी, ए की वैल्यू 10, बी की 20, तो क्या दिखा रहा है, बी इज ग्रेटर दिखा रहा है, ठीक है ना, बी ग्रेटर ही है। आपने वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप साथ में वैल्यू जो है वो प्रिंट करा सकते हो, और सिंबल लगाओ और इसमें भी आपका जो है वो और सिंबल लगा दो। तो लो जी दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, तो लो जी बी इज ग्रेटर एंड वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो जिस तरीके से आप कराना चाहते हो उस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, आपके वाइवा में, इंटरव्यूज में, कहीं पर भी आपको पूछे तो आप इसको आंसर कर सकते हो। थैंक यू।